से गौरीकुंड पहली बार गाड़ी में, और थार थार कहते हो ना, ये है पहाड़ों की असली थार। कोई थार वार नहीं है भाई, यहाँ चलता ट्रैक्टर। अगर आपको ऐसी रोमांचकारी यात्रा करनी है और सबसे महंगी यात्रा करनी है केदारनाथ की, तो मैं आज आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ सरेन सकलानी और इस समय मैं केदारनाथ से गौरीकुंड जा रहा हूँ। और जो आप देखेंगे, मैं ट्रैक्टर में जा रहा हूँ। आप सोचे होंगे यार, कि आदमी तो कितना मज़ा कर रहा है ना। जी हाँ, मैं मज़े कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मगर इतने रोमांचकारी यात्रा कि क्या ही बोले। कितने पैसे लगेंगे ये सवारी करनी है तो? 1.5 लाख रुपये भाई। 1.5 लाख रुपये लेते हैं ये लोग। मतलब गौरीकुंड से आपको केदारनाथ पहुँचाएंगे 1.5 लाख रुपये में। सर हेलीकॉप्टर तो 5,000 में जाता है, घोड़ा भी 4,000 में जाता है, ठंडी ठंडी पालकी भी 10-11,000 में जा रही है, और सबसे VIP सवारी जो है ना, ये ट्रैक्टर की यात्रा है। 1.5 लाख रुपये लगेंगे, आपको गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचा देंगे आराम से 5 घंटे में, बढ़िया ढंग से, और मज़ा आएगा आपको, अति मज़ा। तो भाई एक और वीडियो लेके हम आपके बीच में हैं। इस समय केदारनाथ से जा रहे हैं नीचे गौरीकुंड और लगभग रामबाड़ा के पास, मतलब छोटी लिंचोली से नीचे आ गए हम लोग। और आप देखेंगे, मैं तो बैठा हुआ बोनेट में, और ये हैं अपने उस्ताद जी। ये देखो उस्ताद जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, हैवी ड्राइवर हो एकदम भाई साहब। इतने ढलान में, मतलब छोटे छोटे बैंड, इतनी भीड़, इतने खच्चर, और मेरा भाई एकदम बढ़िया से गाड़ी चला रहा है। पर भाई का जो कॉन्फिडेंस है ना, अलग लेवल का यार। मार्क्स जब मैं सुबह बैठा था ना गाड़ी में, थोड़ा डर लग रहा था मेरे, लेकिन भाई ने जैसी गाड़ी चलाई है ना, ओ भाई साहब, इस समय भारत के ये सबसे अच्छे ड्राइवर हैं। नीचे खाई है, ऊपर पहाड़ है, और ढलान वाले रास्ते, कीचड़, पत्थर, मिट्टी, सब चीज़ है, लेकिन उसके बाद गाड़ी चल रही है एकदम बढ़िया दबा के। ये देखो, ये हुआ शॉर्ट आउट। तो भाई हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ से गौरीकुंड पहली बार गाड़ी में, और थार थार कहते हो ना, ये है पहाड़ों की असली थार। कोई थार वार नहीं है भाई, यहाँ चलता ट्रैक्टर। जहाँ लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, वहाँ आप देखो कैसे कैसे ट्रैक्टर चल रहा है भाई, खतरनाक भाई। ड्राइवर को तो वायरल कर ही दो आप, इतनी मेहनत, इतना हैवी काम है। आप सोचो, आप नीचे गाड़ी चलाते हो ना, कितना थक जाते हो यार, इतनी चढ़ाई पे गाड़ी चलाना भाई साहब अलग ही स्किल है। देखो पीछे बैठे हुए हैं आपने, और इतना इसमें ये 5-5, 10-10 क्विंटल सामान ले जाते हैं ऊपर। बहुत तगड़ा जॉब है, बहुत मेहनत का काम है। अब यहाँ पे भाई जो सड़क है वो एकदम संकरी है, मतलब आप देख सकते हैं एकदम 4 फीट की सड़क है, और उसमें इतना हैवी ट्रैक्टर चलाना बहुत बड़ी बात है भाई। ये देखिए आप, एकदम दुबली पतली सड़क, आप देखो आप, ये एकदम हैवी ड्राइवर, और छोटे छोटे बैंडों पे गाड़ी को घुमाना अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। आप हमें देख रहे हैं शैलेंद्रा हिल मैन फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे, ज़रूर आप इस वीडियो को पहुँचाएगा उन लोगों तक जो घर से बाहर नहीं निकलते, जिनके जीवन में एडवेंचर नहीं है। ये देखिए, जब सुबह मैं इसमें बैठा था तो शुरू के 5 मिनट में डर रहा था कि कहीं गिरूंगा, कुछ होगा, लेकिन जब देखा ड्राइवर को तो भाई मेरे को भी विश्वास आ गया कि एकदम हम सुरक्षित हाथों में हैं। और नीचे एकदम गहरी खाई है, लेकिन भाई जो आराम से गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे भी बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, अभी मैं लिंचोली में हूँ, केदारनाथ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और पहली बार ये हो रहा है कि मैं केदारनाथ से ट्रैक्टर में नीचे जा रहा हूँ। यूँ तो आपने घोड़े की सवारी देखी होगी, पैदल यात्री देखे होंगे केदारनाथ में, लेकिन पहली बार आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ से कैसे एक हैवी ट्रैक्टर नीचे उतर रहा है। और ये सब चलाने वाले हमारे ड्राइवर साहब हैं राम भाई, जो बहुत ही हैवी ड्राइवर हैं भाई, एकदम हैवी ड्राइवर जिसको बोलते हैं। मतलब यार, इतने बड़े गड्ढे, इतना ढलान, इतना वजन को संभालना, ऊपर से इतने लोग, इतने घोड़े खच्चर, उनको बचा के चलना, ये बहुत बड़ी स्किल है अपने आप में। और पूरा केदारनाथ से आप वीडियो देख रहे हैं,
तो आप भी इसका एंजॉय लीजिएगा और देखिएगा कि ये तो ड्राइवर है कितने इसकी फुल है ना, ये देखिए। और हम लोग तीन छः लोग हैं इस ट्रैक्टर में। और कितने सिलेंडर भाई इसके? दो सिलेंडर हैं पीछे, तो इसका भी टायर हो गया, थोड़ा बहुत और सामान है। तो बहुत ज़बरदस्त खतरनाक एकदम हैवी वाला ट्रैक। अब ये बैंड देखो कैसे काटेंगे राम भाई, यहाँ पे देख रहे हो तीखा बैंड एकदम से, पतली सी सड़क, तीखा बैंड, हैवी गाड़ी, ये देखो आप। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी देखो, देखा आपने कैसे इसकी लगाई। तो भाई हमारे जो ड्राइवर हैं उस्ताद जी हैं, उनके लिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर करिएगा उनके लिए। आप देखेंगे राम भाई की आईडी पे इस वीडियो को, बाकी शरेंद्र हिलमैन पे। ये देखो भाई इतना छोटा बैंड है, इस पर गाड़ी को काटना इतनी ढलान में, ये है इसके। ये देखो गाड़ी और ड्राइवर की, हैवी ड्राइवर की, हाँ हैवी ड्राइवर है भाई ये, हैवी ड्राइवर।